पांचों पॉइंट, अब हम चलते हैं चार पॉइंट खत्म। कमाने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कमाना है तो कमाया कैसे जाता है, मैं आप बात करूंगा इसके बारे में। चलो तो फटाफट से बताता हूं, अगर आप लोगों को आज के टाइम पे आज के सिनेरियो में बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मेहनत करके आओगे तो पढ़ाई कब करोगे। पहली बात तो टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम यू नीड, आपको क्या चाहिए घर से, अगर आपको कमाना है। लेकिन वही बच्चे कमाए प्लीज जो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम पे ध्यान देना प्लीज, आप लोग इन सब चीजों मत पढ़ना, जो एग्जाम हो जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, आप कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। तीसरी बात, आपको कब कमाना है, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो फालतू में लड़कियों के पीछे भागना या लड़कों के पीछे भागना या पार्टी करना या घूमना फिरना इसके बजाय कमाना शुरू करेंगे हम। समझ में आ गया, कौन कौन तैयार है कि मैं अपने स्पेयर टाइम में जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं अब कमाना सीखूंगा, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं फाइनली आपको क्या करना है। राइट डाउन चैट सेक्शन, सब लोग तैयार हो या यस यस यस, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। चलो तो सबसे पहले आपको कमाने के लिए क्या चाहिए, नंबर वन, आप लोग है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जब आप कमाओगे तो कमाई का पैसा उस बैंक अकाउंट में आएगा, आपको कोई हाथ में पैसा नहीं देगा, ले लो बेटा 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। आप ऑनलाइन घर से बैठ के कमाना चाहते हो, यू नीड अ बैंक अकाउंट। अब वो बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, बेटर हो कि वो आपका हो, तो अपने पापा को बोलो कि मेरे को एक बैंक अकाउंट खुला दो मेरे नाम से, पहली चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, खोल सकते हो। और मान लो कि पापा के पास इतना समय नहीं है तो पापा का बैंक अकाउंट ले लो नंबर, पापा के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे, मम्मी का बैंक अकाउंट होगा मम्मी के अकाउंट में चले, बेटर है कि आप अपने ही लो। या फिर एक और का तरीका होता है, वैलिड बैंक अकाउंट हो, पेटीएम से जोड़ लो, पेटीएम का नंबर ले लो, पेटीएम गूगल पे उसको उससे जोड़ लो, पेटीएम में भी आप वॉलेट के अंदर पैसे ले सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। पर मैं आपको कहता हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुद के नाम से खुलवा लो, काम आएगा, समझ में आ गया, खुद के नाम से। और पता है छोटे छोटे बच्चों के पैन कार्ड होते हैं, जो पैसा कमाते हैं उनके पैन कार्ड होते हैं। एक बात और बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, किसके पास अपना पैन कार्ड है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किसके पास अपना पैन कार्ड है, यस और नो में आंसर करना, पैन कार्ड किस किसके पास है, पैन कार्ड। अब बताओ, इतनी उम्र में आप 15 16 17 साल के हो गए, बहुत सारे बच्चों के पास पैन कार्ड होते हैं, जिनके पास नहीं है बेटा पैन कार्ड बनवा लो, बहुत काम आता है। पैन कार्ड ये ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट से सीधे लिंक्ड होती है, अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवाए तो प्लीज बनवा लो, आधार है आपके पास पैन कार्ड बनवा लो, बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसा कमाना है यू नीड पैन कार्ड। पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपके हर अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें करवा लो अगर आप कमाना चाहते हो तो। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो पापा का भी चलेगा, बट बेटर है कि आप अपना खुलवा लोगे तो पापा को बोल दो बैंक अकाउंट खुला लो, अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। पैन कार्ड होना चाहिए, बच्चे नहीं रहे आप बड़े हो गए। दूसरा, आपके पास फोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप भी चलेगा, फोन कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए घर पर पैसा कमाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ये तो होगा आपके पास, फोन के अंदर तो सबके पास होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, घर पर वाईफाई होना चाहिए। अब अगर सर वाईफाई के तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी वाईफाई नहीं बदली। मैं सूरत में पहली बार मैंने वाईफाई लगवाया था और बहुत मतलब तब मेरे को दुख हो रहा था कि मैं वाईफाई के लिए 5,000 रुपए दे रहा हूं, हालांकि वो साल भर के कनेक्शन के 5,000 रुपए थे और वो भी मैं धीरे धीरे दे सकता था, पर मैंने दे दिए। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैंने 5,000 मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन वो 5,000 के मैंने 5,00,000 रुपए कमाए। तो सोचो, इसको बोलते हैं फायदा। 5,000 जो मैंने लगाए, 5,00,000 रुपए कमाया मैंने उससे। समझ में आता है? तो इंटरनेट का कनेक्शन है ना, आपको आपकी दुनिया बदल सकता है। तो ये वाईफाई पर उपयोग सही होना चाहिए, उसका उपयोग सही होना चाहिए, गलत उपयोग करोगे तो नहीं। यार आज मैं बता देता हूं कि आज सारी मेरा जो मेरे घर पे आज मैं उस टाइम पे सूरत में था तो 5,000 की कनेक्शन लगाई थी साल भर की, आज मेरा एक महीने का बिल 5,000 रुपए आता है, एक इंटरनेट का, सिर्फ इंटरनेट का महीने का बिल मेरा 5,000 रुपए है। समझ में आ गया? आज महीने का बिल, और वो भी मुझे दुखता नहीं, मैं खुशी खुशी देता हूं, इतना फास्ट इंटरनेट घर पे लगा रखा मैंने, खुशी खुशी देता हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं 5,000 से, मैं अब संख्या नहीं बता सकता, मैं उतना पैसा कमाता हूं, तो मुझे क्या जाता है 5,000 रुपए देने में, क्योंकि उसी से तो मैं कमा रहा हूं। समझ में आ गया? ये तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और यही है पावरफुल चीज, बट इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, बहुत लोग गलत उपयोग करते हैं तो वो नहीं चलेगा। चौथी चीज क्या चाहिए आपको, ये देख लो, टैलेंट, आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, भाई साहब वहीं से आपको पैसा आएगा। कई लोग सोचते हैं जो दूसरे कर ले वो कर ले फिर कमा लेंगे, नहीं, आप खुद सोचो आप में क्या क्वालिटी है, आप उससे पैसा कमा सकते हो इंटरनेट पे आज के टाइम पे।